हेलो एवरीवन, ये हमने वीडियो बनाया है ताकि हम गुजरात करियर पोर्टल के बारे में आपको बता सकें। इस वीडियो के में हम ये भी कवर करेंगे कि आप करियर पोर्टल से क्या क्या फीचर्स यूज़ कर सकते हैं और कैसे करियर संबंधी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले, अगर आपको गुजरात करियर पोर्टल को यूज़ करना है तो आपको URL पे गुजरात करियर पोर्टल टाइप करना होगा। जैसे ही आप इसे टाइप करेंगे, आपके पास स्क्रीन आएगा जिसमें इसी तरह का फ़ोटो आएगा। आपको सभी स्टूडेंट्स को अपना स्टूडेंट UID यहाँ पे मेंशन करना है। स्टूडेंट UID 18 डिजिट का नंबर है जो आपको आपके स्कूल से दिया गया है। अगर किसी बच्चे को नहीं पता है कि उनका स्टूडेंट UID क्या है, तो वो अपने टीचर या प्रिंसिपल से संपर्क कर सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ पे स्टूडेंट UID लिखेंगे, उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप में पासवर्ड लिखना होगा। पासवर्ड अभी आप 123456 लिखेंगे। ये दोनों इंफॉर्मेशन फिल करने के बाद आप लॉगिन कर सकते हैं। हर बच्चे को अपना इंडिविजुअल लॉगिन को ही यूज़ करना है। अभी मैं आपको लॉगिन दिखाने के लिए एक डेमो या लॉगिन यूज़ कर रही हूँ। तो आप देख सकते हैं कि जैसे ही आप अपना लॉगिन करते हैं तो आप डैशबोर्ड पे आ जाते हैं। डैशबोर्ड में मेनली दो बहुत इंपॉर्टेंट फीचर दिए गए हैं। एक फीचर दिया गया है सर्च फीचर। सर्च फीचर का मतलब बिल्कुल जैसे हम गूगल में यूज़ करते हैं, हम किसी भी करियर, कॉलेज या एंट्रेंस या स्कॉलरशिप के बारे में हम यहाँ पे टाइप करके इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। जो हमारा दूसरा ऑप्शन है वो ये है कि हमने चार डिफरेंट टैब दिए हुए हैं आपको, करियर के लिए, कॉलेज के लिए, एंट्रेंस एग्ज़ाम और स्कॉलरशिप के लिए। इन चारों को प्रेस करके भी आप इनके पर्टिकुलर सोर्स पे जा सकते हैं। एक और दूसरी जगह जहाँ से आप कॉलेज संबंधी या करियर संबंधी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, ये है इन्फॉर्मेशन आइकन, जानकारी केंद्र। यहाँ पे भी आपको चार टैब दिए गए हैं जिससे आप किसी भी करियर से संबंधी, या तो करियर के बारे में पढ़ सकते हैं, कॉलेज के बारे में पढ़ सकते हैं, परीक्षा के बारे में पढ़ सकते हैं, और स्कॉलरशिप या फिर जो भी फेलोशिप और एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसके बारे में पढ़ सकते हैं। अभी हम एग्ज़ाम्पल के लिए एक करियर के बारे में देखेंगे। तो जैसे कि अगर हम मान लीजिए हमें फैशन डिज़ाइनर के करियर के बारे में जानना है, तो हम यहाँ पे सर्च में टाइप कर सकते हैं। जैसे ही मैं यहाँ पे फैशन लिखा है, मुझे बहुत सारा रिकमेंडेशन भी आ गया है, और भी रिजल्ट्स हैं। हमें फैशन डिज़ाइनर के बारे में जैसे ही हम क्लिक करेंगे, हम देखेंगे कि हमारा पूरा करियर कंटेंट हमारे सामने आ गया है। ये करियर कंटेंट हमने स्पेशली बच्चों के लिए बनाया है ताकि वो समझ पाएँ कि ये करियर किस बारे में है, हम कैसे पहुँच सकते हैं इस करियर के अंदर, और क्या क्या स्पेशलाइजेशन हम कर सकते हैं। अगर मैं 10वीं का छात्र हूँ और मुझे समझना है कि 10वीं के बाद मुझे क्या सब्जेक्ट्स लेने होंगे, तो हमने वो भी यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। और डिफरेंट स्ट्रीम के बच्चों के लिए जो डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स उन्हें लेनी है, वो भी यहाँ पे एक्सप्लेन किए हैं। तो अगर कोई बच्चा किसी एक करियर में इंटरेस्टेड है, वो उस करियर के बारे में इस तरह की जानकारी बड़े आराम से करियर पोर्टल से प्राप्त कर सकता है। हमने ये भी जानकारी इकट्ठा की है कि इस करियर में पहुंचने के लिए आपको तैयारी के टाइम पे कितना पैसा खर्च होगा, कितने साल लगेंगे आपको इस करियर में अपना करियर बनाने के लिए, फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़, भविष्य में इस करियर का क्या मतलब ग्रोथ है कि नहीं है, इसके बारे में भी जानकारी दी गई है। और साथ ही साथ ये भी जानकारी दी गई है कि अगर मैं इसके लिए जॉब में जाता हूँ तो मुझे कितना सैलरी मिलने की उम्मीद है। तो ये सारा डेटा दिया गया है। इसके अलावा अगर हम किसी करियर में इंटरेस्टेड हैं, तो उसके कौन से कॉलेजेस हैं, हम उसके बारे में भी जान सकते हैं इस बटन पे क्लिक करके। इस करियर संबंधी प्रवेश परीक्षाएं अगर होती हैं, तो उसके बारे में भी यहाँ से क्लिक करके हम जा सकते हैं और छात्रवृत्ति के बारे में भी जान सकते हैं। नौकरियाँ कौन किस किस तरह की नौकरियाँ यहाँ इस करियर के लिए एप्लीकेबल है, ये भी हम पता कर सकते हैं। और जो खूबियाँ और योग्यता हमें चाहिए होती हैं इस करियर को बनाने के लिए, वो भी यहाँ पे दी गई है। नीचे यहाँ पे इस करियर से संबंधी जो भी रोल मॉडल्स हैं, जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है इस क्षेत्र में, उनके बारे में भी दिया गया है। आप उन्हें देख के आप समझ सकते हैं कि अगर आप उनके जैसा बनना चाहते हैं या वहाँ तक पहुँचना चाहते हैं, तो आप इस करियर को ऑप्ट कर सकते हैं। लास्ट में हमने ये भी बताया है कि अगर कोई बच्चा स्पेशली एबल्ड है, तो उसके लिए करियर एप्लीकेबल है कि नहीं है।
तो ये पूरी जानकारी हमने 470 करियर से ज़्यादा के लिए दी गई है। आप देख सकते हैं कि साइट में आप बहुत सारे करियर्स के नाम हैं, आप किसी भी करियर के क्लस्टर पे जाकर उन करियर्स के बारे में पढ़ सकते हैं। जैसा कि हमने इस करियर के बारे में जानकारी इकट्ठा कर ली, लेकिन अगर हम और डिटेल में इस करियर के बारे में जानना चाहते हैं तो ये रीड फुल करियर आर्टिकल, हम इस पर क्लिक कर सकते हैं और इस पर क्लिक करने के बाद हमें पूरा जो करियर के बारे में हम जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे एकदम विस्तार से एक्सप्लेन की गई हैं। यहाँ पे पढ़ने के बाद बच्चा पूरे तरह से संतुष्ट हो सकता है कि उसको सभी जानकारी करियर के बारे में पता चल जाएगी। फिर हम वापस स्नैपशॉट पेज पे आ जाएंगे। स्नैपशॉट पेज से ही जैसे कि हम बता रहे थे कि इस करियर के बारे में अगर हम चाहें तो हम कॉलेजेस के बारे में भी जान सकते हैं। तो अगर मैं उसी फैशन डिज़ाइनिंग को करियर बनाने के लिए मुझे कौन कौन से कोर्सेज और कॉलेजेस हैं जो एप्लीकेबल हैं वो मुझे मिल जाएंगे, मैं चाहूँ तो इसे हटा के बाकी जगहों के भी कॉलेजेस और कोर्सेज देख सकती हूँ। यहाँ साइड में फ़िल्टर दिए गए हैं जहाँ पे इंडिया और इंडिया के अलावा बाकी जगहों के भी सारे कॉलेजेस के बारे में दिया गया है। 19,000 कॉलेजेस की इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपको दी गई है। बट एज अ स्टूडेंट अगर मैं सिर्फ गुजरात के कॉलेजेस ही भी देखना चाहूँ तो वो भी आपको सारे के सारे यहाँ पे मिलेंगे। आप अपने करियर, जिस भी करियर में आप रुझान रखते हैं उसके हिसाब से आप यहाँ पे ढूंढ सकते हैं कि आपको कौन से कॉलेज में इंफॉर्मेशन देखनी है। सिमिलरली अगर आप डायरेक्टली भी कॉलेज डायरेक्टरी में जाकर कॉलेज संबंधी कोई भी जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं अपने क्षेत्र में, अगर आप अहमदाबाद में ही देखना चाहते हैं और अगर आप कहीं और रहते हैं तो आप उसके हिसाब से भी अपनी लोकेशन के हिसाब से देख सकते हैं। अब हम जाते हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम पे। एंट्रेंस एग्ज़ाम सभी किसी भी करियर को बनाने के लिए बहुत सारे एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं, तो अगर हम किसी करियर में इंटरेस्टेड हैं तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि उनके एंट्रेंस एग्ज़ाम कौन कौन से होते हैं, हम उनके बारे में पढ़ सकते हैं। तो अगर आप किसी भी एक एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में देखेंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन दी गई है कि कौन कौन से बच्चे से अप्लाई कर सकते हैं, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा, एप्लीकेशन फ़ीस कितनी है, प्रोसीजर क्या है, पार्टिसिपेटिंग कॉलेजेस कौन से हैं और लास्ट डेट टू अप्लाई कौन सी है। तो जैसे कि मैंने आपको अभी सिर्फ एक एग्ज़ाम्पल बताया, बट आप अपने हिसाब से, अपने करियर के हिसाब से आप सभी तरह के जो भी एग्ज़ाम इंडिया में हो, इंडिया के बाहर होते हैं, आप उनके बारे में जानकारी यहाँ से इकट्ठा कर सकते हैं। लास्ट जो सबसे इम्पॉर्टेंट ऑप्शन है वो है स्कॉलरशिप का। स्कॉलरशिप ऑप्शन हम इसलिए भी यहाँ पे देते हैं कि अगर कोई बच्चा अपनी पढ़ाई को सपोर्ट करना चाहे और उसके बारे में जानना चाहे तो वो स्कॉलरशिप ऑप्शन से देख सकता है। यहाँ पे इंडिया और इंडिया के बाहर की सभी स्कॉलरशिप को कवर किया गया है। जैसे कि हमने इन्फॉर्मेशन बताई थी कि हर इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे विस्तार से दिया गया है। बहुत सारे बच्चे NTSC एग्ज़ाम के बारे में भी जानना चाहते हैं, उसके बारे में भी आप उसको सर्च करके आप देख सकते हैं, आपको सारी जानकारी मिलेगी कि क्या क्राइटेरिया था, क्या प्रोसीजर है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस है और आप उसके हिसाब से अपना फॉर्म वगैरह भर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि बेसिकली ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट लॉगिन है हर स्टूडेंट के लिए, क्योंकि हम एज अ स्टूडेंट अपने करियर के हिसाब से, अपनी रुचि के हिसाब से किसी भी अपने करियर के बारे में और जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं, उनके कॉलेजेस के बारे में पता कर सकते हैं, उनकी प्रवेश परीक्षा के बारे में पता कर सकते हैं और छात्रवृत्ति के बारे में भी पता कर सकते हैं, ऑल फ्रॉम अ सिंगल लॉगिन। हम एक ही लॉगिन में सब कुछ देख सकते हैं। अगर आप कभी भी लॉगिन में कहीं खो जाएं तो आप राज्य सरकार का लोगों से क्लिक करके आप डैशबोर्ड पे पहुंच जाएंगे और डैशबोर्ड पे भी आपको सर्च बार भी मिलेगा जहां पे आप कुछ भी टाइप करके सर्च कर सकते हैं और बाकी जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि आप अपने लिए कर सकते हैं, जब आप एक बार
पोर्टल को यूज़ कर रहे हैं तो आप ये चार सवाल के जवाब देके आप अपने पोर्टल को अपने लिए पर्सनलाइज कर सकते हैं। आप ये बता सकते हैं कि आप कौन से टॉप टू करियर हैं जिसमें इंटरेस्टेड हैं, डिग्री डिप्लोमा दोनों करियर के हिसाब से। आप शॉर्ट टर्म कोर्सेज़ के लिए जाना चाहते हैं या फिर लॉन्ग टर्म कोर्सेज़ के लिए जाना चाहते हैं, आप कहाँ आगे चल के पढ़ना चाहते हैं, इसमें आप मल्टीपल स्टेट और मल्टीपल सिटी भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आशा करते हैं कि आपको इससे फ़ायदा होगा और आप इसका भरपूर उपयोग करेंगे अपने लॉगिन का। थैंक यू।